एक्सयूवी वर्सेस थार होने वाली है और पीछे एवर्टस दर्शक क्यों बन के आई हुई है यार। 1 2 3 ओ भाई ये पुलिस वाले हैं क्या? Let's go. So hello guys, good morning and welcome back to today's vlog. तो आज भाई मैं लेके जा रहा हूँ एक्सयूवी को ड्रैग रेस करने के लिए और एक्सयूवी की ड्रैग रेस होगी थार के साथ। तो पता नहीं कौन सी गाड़ी जीतेगी, पर उम्मीद तो यही है कि हम अपनी एक्सयूवी को जितवाएं, पर कुछ नहीं कह सकते। इससे पहले एक बार ड्रैग रेस करी थी मर्सिडीज के साथ, तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि एक्सयूवी को ही जितवाना है, एक्सयूवी को ही जितवाना है। आज क्यों नहीं है? अरे जब फर्स्ट थी ना तो मतलब पूरा ऐसे था कि एक्सयूवी ही जीतेगी, बट मर्सिडीज जीत गई। मर्सिडीज वो तो ऑटोमेटिक। तो कोई बात नहीं, आज थार के साथ ड्रैग रेस है, महिंद्रा वर्सेस महिंद्रा, और देखते हैं कौन जीतेगी। सो गाइस निकल गए भाई हम थार के साथ ड्रैग रेस करने के लिए। पीछे भाई थार आने लग रही है अपने और एक वर्टस गाड़ी है, तो मेन तो अभी थार के साथ ड्रैग रेस करनी है। वर्टस के साथ भी देख लेंगे, कर लेंगे। अगर मैं थार को हरा दिया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मैंने थार को हरा दिया। हराएंगे भाई, टेंशन की हराएंगे हराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हरा देंगे। एक तो ये गाड़ी है भाई वोल्सवैगन की वर्टस, इसको तो हरा दूंगा मैं, पक्की बात है। ओके चलो देखते हैं कौन जीतेगी। हाँ भाई ड्रैग रेस के लिए रेडी? मैं तो टग ऑफ वॉर के लिए रेडी हूँ। टग ऑफ वॉर? अरे ये वर्टस कैसे आ गई बीच में? पता ना बीच में क्यों आई है, ये कह रहा मैं भी करूंगा। मैंने कहा ड्रैग रेस तो इसके साथ तो लगा सकते हैं। हाँ इसके साथ तो मतलब लगता है वो जीत जाएगी, वर्टस से जीत जाएगी। सिडैन है ना? सिडैन है पहली चीज, और उसकी वाइब बढ़िया है, मतलब आर्टिकुलेशन अच्छी है उसकी। चलो मेन तो थार की और एक्सयूवी की है, थार की एक्सयूवी की देखते हैं क्या लगता है। गैंग तो कहाँ, बल्लू आया है, बल्लू है, एक और था वो शूट पे है। क्या लगता है कौन जीतेगी ड्रैग रेस में? मुझे लगता है जीत जाएगी, बट टग ऑफ वॉर में हार रहे हैं। देखते हैं चलो क्या होगा, कांट से एनीथिंग। ड्रैग रेस में तो मुझे लगता है जीत जाएगी, मुझे तो उसमें भी ये हो रहा है स्टार्टिंग में किस तरीके से। हाँ कुछ नहीं पता मतलब अभी उसका है, अगर बढ़िया लग गया तो देखते हैं। एक नई टेक्निक देख के आया हूँ मैं उसमें ड्रैग रेस की। ओ भाई साहब प्रैक्टिस करके आ रहा छोरा, देख लो। मैंने कौन सी स्टडी स्टडी करके आया थी फॉरेन की ड्रैग रेस, उसमें बताया था उसमें एक दो चीज की क्या चीज होती है, मैं वो देखते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। तो गाइस आगे वाली गाड़ी है भाई विकास भाई की, और मिरर में देख लो पीछे दिख रही होगी येलो थार, वो है भाई हनी भाई की। ये आ गई भाई, लेफ्ट ले लो भाई साहब, वो देखो भाई आगे चल रहे विकास भाई। उसको तो दूसरी गाड़ी तो आने दे, पीली थार भाई पीछे है, दिख रही है थार का। तो हार लगता है रास्ते से मुड़ तो नहीं गई गाइस? ना भाई आ गई, ऐसे कैसे हार मान सकती है। नो पंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नहीं देंदे लेंदे मिंटो मिंट पत्त मार। बस भाई यहाँ से मारो यू टर्न, पहुंच गए भाई लोकेशन पे हम, एक्सयूवी आगे चल रही है भाई। गाइस ये वही रोड है जहाँ पे टियागो का 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ। आ गए भाई विकास भाई, चलो भाई आ गए, लगा लो गाड़ी। चलो भाई बाहर चल के एक बार वार्तालाप कर लेते हैं। चलो भाई वो थार वाले भाई तो आगे चले गए, वो देख भाई वो ट्रायल कर रहे हैं, अभी से ट्राई हो रहा है भाई। देख लोकेशन पहुंच गए यार, वो देख थार ने लेके पहले ही चला गया ट्राई करने के लिए ड्रैग रेस की। यार वो तो प्रैक्टिस करने लग गया यार, वही कह रहा हूँ। ये अपनी एक्सयूवी खड़ी यार, अभी थार से करेंगे इसकी ड्रैग रेस। यार ये वर्टस कहाँ से आ गई इसकी, ये तो इसकी तो बात ही नहीं हुई थी हमें, इसकी बात ही नहीं हुई थी, इसकी बात ही नहीं हुई थी ड्रैग रेस, इसको ड्रैग रेस से बाहर निकाल देते हैं। चलो ठीक है गाइस भाई, ओके हाँ दौड़ेगी ये। तो चलो गाइस अभी बस वो थार भाई पहले प्रैक्टिस करने के लिए गई हुई है, वो आ जाए तो हम फिर अपनी थार के साथ ड्रैग रेस करते हैं स्टार्ट। एक्सयूवी वर्सेस थार होने वाली है, और पीछे एवर्टस दर्शक क्यों बन के आई हुई है यार। दर्शक क्यों कह रही है, मेरे को भी लड़ना है। मैंने भी गिन लो, ए ए भिड़ेगी भिड़ेगी इंगे नहीं, बस लिकड़ गई। पीछे भाई पीछे वो तो बंदे आगे चले जाएंगे, एक बंदा यहाँ एक बंदा और आगे, और एक बंदा यहाँ चाहिए। हाँ एक बंदा इधर चाहिए, पर ये यहाँ गलत खड़ी कर दी भाई। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वर्टस से मैंने पता क्या करना है, ये पता है ये गलत खड़ी कर दी इधर। क्यों?
अभी यहाँ से दो गाड़ी भागेंगी ना तो भिड़ सकती है इसके। ओहो और क्या तुम लोग तो भाई इसके ऊपर चढ़ाओगे ना, डिवाइडर के ऊपर चढ़ा के चला भाई, स्पेस चाहिए होता है भाई। ये स्पेस यहाँ पे तीन गाड़ी निकाल सकता हूँ मैं अभी अभी पे। तीन गाड़ियाँ चलो यार करते हैं स्टार्ट। तो रेडी हो गाइस? भाई आगे मेरे ख्याल से ना एक बंदे को छोड़ देते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, एक बंदे को ना हम वहाँ पे एंड में खड़े कर देते हैं ठीक है, ताकि कोई तुम लोगों के ना कोई बंदा बीच में ना आए। हैं मैं आगे चला जाऊं? तो भाई मैं जा रहा हूं। एक बार ले जा, जो एक को बीच में छोड़ दियो। हाँ सेंटर में ठीक है, एक भी आंकड़ा जाओ कुत्ता रहा ना। हाँ वो उधर एक सेंटर में खड़ा हो जाएगा, एक बिल्कुल एंड में जहां तक चल रही है, जहां पेड़ है ना वहां पेड़ के वहां खड़ा हो जाइए। तो मैं तो और भी कुछ करने वाला था यहां से। चले भाई करें, चलो करते हैं। तो भाई एक्सयूवी और थार इज रेडी फॉर ड्रैग रेस। करे भाई करे भाई। हेलो भाई क्या हाल है? बढ़िया। तो भाई विशाल को और बल्लू को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे रुक जाएगा और बल्लू एक को वहाँ पे छोड़ रहे हैं। बट मैं ये क्या देख रहा हूँ, पुलिस वाले खड़े हैं क्या सामने? यहाँ तक आगे देख लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, खाली रोड है। नहीं खाली रोड की बात नहीं है, लेकिन है ना ये वाली चीज़ कर नहीं सकते हैं। कोई नहीं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा ठीक है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा? भाई कोई भी जीते मजा आने वाला है। अरे मजा तो आने वाला है, लेकिन तुम लोग अरे वो लगाते ना शर्त लगाते ना जीतेगी हमारी भाई, तो ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे तो पहले ही गुड बटे हुए, मैं बेफालतू में वही पूछ रहा हूँ कौन जीतेगा कौन जीतेगा। मैं तो उसको ओपिनियन ले रहा था। चलो ठीक है भाई, तो बल्लू को यहाँ पे छोड़ देते हैं। मैं क्या करूँगा खड़े होके तो भाई ये लोग रेडी हैं। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अब तू? अच्छा ये पोजीशन ले रहा है अपनी। आर यू गाइज रेडी? यस। आर यू गाइज रेडी? यस। हनी रुक जा बेल्ट लगा लो भाई। चलो भाई बेल्ट लगा लिया। जैसे हम जाए ना साथ में, रादर देन अपने तरफ कैमरा ले, पीछे मुड़ जाइयो। ठीक है ठीक है। ना 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 मैं वो नहीं कर रहा। तो भाई अभी होने वाला खतरनाक वाला गेम ड्रैग रेस। वहां पे एक बंदा खड़ा है और उससे आगे एक बंदा खड़ा है, तीन की काउंट पे ठीक है। 1 2 3 ओ भाई ओ बल्लू अच्छा बाइक वाला हरा आगे। ओ भाई गजब था यार, मेरी पिकअप कम उठा यार स्टार्टिंग में। हाँ वो तो एक मोड़ भी ली पहले ही था वहां से। उसका पिकअप तेज था, ऑटोमेटिक है ना वो? ऑटोमेटिक है ना वो। हाँ यार मेरी लेट उठी भाई, मैंने वही तो बात है, बस इतनी बात की कि अगर स्टार्टिंग में उठ गई तो उठ गई, नहीं तो लेट उठेगी तो बेकार है। हाँ मैंने बाइक देखी, मैंने रोक ली गाड़ी, मैंने बाइक वापस चलते हैं वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसको समझा पहले। ये देखो भाई कहाँ बैठे हैं। आ गई भाई थार भी आ गई। वाओ नाइस भाई, पहला राउंड हो गया है। कौन जीता पहला राउंड? कौन जीता भाई पहला राउंड? बाद में तो एक्सी भी निकली थी खैर। स्टार्टिंग में मेरी यार लेट उठी गाड़ी भाई, पहला भाई स्टार्टिंग ही थी बस। पहला राउंड तो हनी जीत चुका है। स्टार्टिंग में अगर उठ गई तो उठ गई, बाद में नहीं उठ पाएगी। और वहां पे ना मैंने दूर से देख लिया, मैंने कहा अब तो जीत तो गए, मैंने रेस छोड़ी, ये साइड में से और खींचता, मैंने कहा रेस दी मैंने फिर से। चलो यार पहले में तो मैं समझ गया था, मैंने कहा ले भाई कौन जीता भाई पहला राउंड। तो भाई पहला राउंड हनी जीत चुका है। सेकंड राउंड के लिए दोनों रेडी हो? चलो ठीक है चलो भाई आओ
पहले मैं तो थार लेगी, पहले मैं थार लेगी भाई। तो भाई अभी इनका है ना सेकंड राउंड भी स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं सेम एज इट इज 1 2 3 पे, ठीक है। मेरे को लगता है तूने ना रेस देर में दी है, पहले ही पैर रखियो रेस पे। 1 2 3 के काउंट पे 1 2 3 ये ओ भाई ये अब की बार रचित ने मोर्चा मार दिया जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है यहाँ से। ये पुलिस वाले हैं क्या? सेकंड राउंड का विनर हूँ मैं। शूट कर रहे हैं ये लोग कोई। इस बार तूने सही, इस बार जीता हूँ। चलो भाई इस बार जीती भाई। इस बार नहीं हारेगी एक्सयूवी, इस बार जीत गई भाई। इस बार भी भाई दो बार है ना ब्रेक मारने पड़ गए क्योंकि तू साइड में ले रहा है और साइड में खेत वो था मतलब पड़ी हुई है ना थोड़ी बहुत। ना ना इस बार जीत गई, जीती है भाई, जीती है इस बार। इस बार 1-1 हो गया। ये देखो भाई कहां बैठे भाई, सेकंड राउंड के बाद ये दोनों वापस आ रहे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ। मेरे को मत उड़ा देना, निर्णायक राउंड। एक और हाँ निर्णायक भाई, वन ही जो रखा है निर्णायक तो होना चाहिए भाई। 150 चली गई थी गाड़ी है, 150 हाँ 130 तो देखी थी मैंने। पीछे 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 कर ले थोड़ी। तो भाई मैं बीच में बैठा था और मैं बस यही चीज कर रहा था कि भाई सेकंड राउंड मैं यहाँ से देख रहा था, सेकंड राउंड अब की बार रचित ने मार लिया मोर्चा भाई। तो मैं कह रहा हूँ रचित ने अब की बार मोड़ है ना जो शायद इसमें यार, अरे है इसमें, तूने मोड चेक नहीं करे आज तक नहीं ना, क्या बात कर रहा है यही बोली तो जिप-जैप ज़ूम ज़ूम से नॉर्मल मोड पे चला, नॉर्मली है इसमें। हनी सेकंड राउंड हार गया, अब है ना ये भाई 1-1 हो गया। एक हाँ। पहली हनी की जीती, सेकंड बार मैं जीता। फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड में कौन जीता देखते हैं। मैं हनी की गाड़ी लेके भाग जाता हूँ यहाँ से, मैं ना ये उठा लेता हूँ, तब तक है ना मैं ये चलाऊंगा यहाँ पे रोड पे। चलो भाई मैं इससे ड्रैग रेस करने वाला हूँ, ड्रैग रेस है ना इससे करेंगे, ठीक है। यूं पीछे गई, ले बेटे सबसे आगे खड़ी है, चाहे देख लो तुम लोग जीत गया नहीं जीत गया। रचित ने ना अब की बार सेकंड राउंड में सोच रखी थी मारी एक्सयूवी किसी तक कम थोड़ी ना है। हाँ, मारी कम थोड़ी ना है। तो भाई महिंद्रा वर्सेस महिंद्रा हो रखी है वैसे तो एक्सयूवी और वर्सेस थार। फर्स्ट राउंड हनी ने जीता है, सेकंड राउंड रचित ने जीता है। विना भाई मेरी ये वाली जीतेगी या नहीं जीतेगी आप बता दो। ये तो जीती है भाई पहले ही, ये देखा मतलब है ना भाई, ये चीज होनी चाहिए। बेशक छोटी गाड़ी है लेकिन जीतेगी जरूर। वट एस अपनी है ना चुपचाप से खड़ी है वहाँ पे, आज इन लोगों की ड्रैग रेस हो रही है, कल मैं करूँगा। लेकिन आज है ना एक बार देख लेंगे, वैसे ऑफ कैमरा मैं देखूँगा कि हाँ भाई जीतती है नहीं जीतती है। अगर हार गई ना तो मैं नहीं करूँगा ड्रैग रेस। मेरे को ना वट एस की बेइज्जती है ना सहन नहीं होगी। तो भाई तीसरे राउंड के लिए रेडी हो? हाँ, इस बार एकदम करके देखते हैं। तो फाइनल राउंड के लिए रेडी हो? अच्छा भाई चलो करते हैं, एक बार एक फाइनल राउंड करते हैं फिर बात करते हैं। चलो ठीक है मैं इसको अब की बार इसको भी दौड़ा रहा हूँ, इसको पहले मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये सेट हो गया ठीक है। ओहो चलो इसको बाद में देखेंगे। तो फाइनल राउंड के लिए रेडी? ये थर्ड राउंड है, लास्ट फाइनल राउंड। रेडी? इसका अलग ही चल रहा है। विकास भाई भाई फुल वहां से रेफरी। पंजादाब के रख पहले से ही। पंजादाब रेडी हो भाई बता दो। नहीं पहले तुम ये कर लो, बेल्ट लगा ली ना भाई? मैंने तो लगा ली, वो भी लगा रहा है, वहां से भी लग गई भाई बेल्ट। फाइनल राउंड के लिए रेडी? रेडी रेडी भाई रेडी, दोनों रेडी है भाई। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 ले भाई ले गई ले गई। अरे नहीं यार, नहीं यार
अरे गई अब तो खिंच गई। नहीं यार खिंच गई ब्रो खिंच गई। ओ भाई साहब भाई अब ओ एंटी अब ना खींच। अच्छा थर्ड राउंड मेरा भाई थर्ड राउंड भी नहीं है भाई थार है चल कैसी बातें कर रहा है भाई थर्ड राउंड वो है वो थर्ड कैमरा खड़ा। अच्छा हाँ भाई साहब थर्ड राउंड में तुम्हारी गाड़ी पहले आ गई थी बट एंड तक तो मैं जीता हूँ। बिल्कुल एंड में जो आ रही है ना एक्सयूवी जीती है एक्सयूवी निकल गई बीच में बिल्कुल एंड में निकली है ना। पहले अरे वहां से तो बहुत इंस्टेंट पुश मैंने वो करके देखा मेरे क्या हुआ अन्नी स्टार्टिंग में सारा पिकअप ही नहीं मिला एंड में जाके खेचिए। इस बार मैंने एक चीज करके देखी थी जो मैं बता रहा था तेरे को क्या है एक टेक्निक है फॉरेन वालों की टेक्निक है। अच्छा। कि भाई स्टार्टिंग में पुश अगर मिल जाए ना तो किससे मिलता है वो करके देखा भाई बहुत अच्छा पुश मिला स्टार्टिंग में आगे दी देखी जो बता रहा था मैं। चल बिठा ले मैं या एक बार गाड़ी बदल के करे गाड़ी बदल के करते हैं। फाइनल नहीं बताने वाला मैं कि कौन जीता है लेकिन हाँ हो सकता है कि मुझे यहाँ से ऐसा भी लग रहा है कि दोनों बराबर भी हैं लेकिन मेरे को ये भी लग रहा है कि कौन जीता है वो मैं इन दोनों के आने के बाद बताऊंगा। सो इनको आने देते हैं एक बार ठीक है। भाई स्टार्टिंग तक भाई हन्नी आगे था मेरे को लग नहीं रहा था कि भाई एक्स भी निकल जाएगी भाई थार खींची है थार खींची एकदम भाई वो कह तो रहा उसने कुछ टेक्निक यूज करी है भाई मैं तो बेसिक चला रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल मैनुअल गाड़ी है बिल्कुल और मतलब एंड में आ गए ना बिल्कुल मैं ये था कि भाई खींच नहीं और खींच लेगी एंड का ट्विस्ट बढ़िया था है ना वो बंदा एंड में इसलिए तो खड़ा है वो है फिनिश लाइन। थार वर्सेस एक्सयूवी कमाल कर दिया सच में मैं कह रहा हूँ कमाल। तो गाइस तीन राउंड में से दो राउंड भाई रचित जीत चुका है एक्सयूवी के साथ। आ तो रहे हैं दोनों के दोनों एक साथ वापस तो ये दोनों वापस आ गए हैं अब की बार में मैं बीच से नहीं हट रहा हूँ। यो ब्रो दोनों गाड़ियां लगा रहे हाँ हन्नी की एक्साइटमेंट कुछ और बता रही है और इन दोनों के चेहरे कुछ और बता रहे हैं। लेट्स सी एक बार ये लोग नीचे उतर जाएं फिर मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि क्या हुआ फाइनल। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चौथा राउंड भी करने वाले हैं भाई मुझे इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी पोजिशन ली है गाड़ी की। चलो भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई चौथा राउंड भी होने वाला है। थर्ड राउंड में थार आगे थी ओ भाई बट एंड में जाते जाते एक्सयूवी ले गई और भाई पता है क्या हुआ अगर मेरे को एक चीज पता चल गई अगर यहाँ से 100 मीटर के आसपास की दूरी होगी ना तो थार नहीं छोड़ रही बट वहाँ पे बिल्कुल जैसे वो 250 मीटर के आसपास है तो बिल्कुल एंड में 50 मीटर भाई खेच के लेगी क्योंकि इसका पिकअप बन गया था 100 के ऊपर 130 बन गया उसका स्टार्टिंग में ना उठने का रीजन है मैनुअल है अभी उठा के दिखा दे चलो अभी उठा के दिखा अभी भाई भाई मैं यहाँ से ना यही चीज वो कर रहा था कि यहाँ से लग रहा था मुझे कि हनी जीत रहा है लेकिन वहाँ जाते जाते ना मतलब वहाँ जाते जाते ना मेरे को पीछे से नहीं पता चल रहा था कि भाई कौन आ गया। अभी भाई अभी क्या होने वाला है अभी हन्नी चलाएगा एक्सयूवी और हम जा रहे हैं थार में अभी गाड़ी एक्सचेंज होगी और देखते हैं कि कौन जीतता है। भाई यहाँ से ना मेरे को ये लग रहा था कि हन्नी जीत रहा है कसम से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से क्रॉस कब किया है बल्लू क्रॉस हुआ हन्नी आगे था उस बंदे तक पहुंचने के पहले मैं निकला उससे मैं बोल रहा था 50 मीटर के आसपास मैं कह रहा हूँ तुम दोनों ने ना मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था कि भाई मैं सच में मैं यहाँ से ना नहीं पता लगा पा रहा था कि भाई कौन जीता है। मैं एक मिनट के लिए ये कोई जीते स्वाद आने चाहिए हाँ स्वाद आने चाहिए तो अभी इन लोगों ने ना गाड़ी एक्सचेंज कर लिया तो मैं एक काम करूँ क्या मैं मेरी वर्टस क्रूज मोड पे छोड़ देता हूँ 200 की स्पीड में अपने अच्छी से। तो गाइस अब बैठेंगे भाई थार के अंदर चल भाई आ जा थार से देखते हैं चल आ जा। ओ भाई साहब यहाँ पैर रख के चढ़ते हैं गाइस। अब की बार ये थार चला रहा है ठीक है पर एक्सयूवी से ले गया भाई मैं 2 राउंड ले गया भाई ले गया एक्सयूवी से ले गया मैं 2 राउंड ये एक्सयूवी तो भाई तू कंफर्ट है इसमें क्योंकि कंफर्टेबल तो हूँ। अरे इसमें वो बटन कहाँ है पीछे जाने के वो रे खिड़की में ओहो हम भाई हम मैनुअल वाले बंदे हैं ना मैनुअल अब मैनुअल चला रहे हैं हाँ अब देखते हैं भाई तू ऑटो वाला बंदा है मैं करेक्ट कर देता हूँ कोई नहीं। आर यू गाइस रेडी मैं पहले पूछ जाता हूँ आगे ओए अन्नी भाई थोड़ा पूछ लो इससे हाँ पूछ ले ओए रिवर्स है भाई इसमें तो कुछ नहीं करना यार इसमें तो रेस देनी है बस देख गाइस अभी ये ट्रायल है भाई थार के साथ ट्रायल है थार का आपको ऐसा लग रहा है अगर ट्रक में बैठे हुए भाई
ऊंची तो है काफी। ये ट्रायल है बस कार का, एक्सयूवी निकाल ले जाएगा वो देख लियो। क्या बात कर रहे है, क्यों पता है इसका स्टेरिंग भी ना उससे थोड़ा सा वैसा है, हार्ड है, हार्ड है थोड़ा। एक्सयूवी का तो बहुत स्मूथ सा स्टेरिंग है भाई, ऑटोमेटिक से यार कुछ भी नहीं करना, बैठ के रेस देनी है बस उसमें भाई, गियर बदलो पूरा वैसे करके दमदार, मतलब उसमें होता है फील की हाँ। अगर एक बार इसकी आदत लग जाए ना फिर मैनुअल की नहीं, देखियो मेरे को तो लगता तू जीतेगा इसमें। मैं जीतूंगा बाकी भाई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते भाई। अभी तक हमने ट्राई कर लिया है एक्सयूवी में, तो हम तीन में से दो बाजी ले गए हैं, पर अभी देखते हैं कि थार में कौन जीतता है। बराबर कर ले, बराबर ही कर रहा हूँ। ये फोर व्हील नहीं चल रही क्या अभी, टू व्हील पे चल रही है? शीशे के तो यहाँ बढ़िया है, मैंने मैं कह रहा हूँ ये 4H 2H क्या है, ये तो 4x4 है, वो 4x2 में ही चल रही है। 2H है, 2H में ही चल रही है। वो क्या होता है भाई, 2H मतलब पीछे वाला रियर व्हील ड्राइव में ये पावर दे रहा है, और 4H में चारों 4x4 हो गए, 4 लो चलती ही नहीं जाते। मुझे ना एक बात बोलनी तुझे, जैसे तूने उठाई है ना अभी, तो मेरे ख्याल से तू रेस के लिए भी वैसे उठाएगा राइट, गलत तो नहीं बोला? तो मेरे को थोड़ा सा हल्का लगा। अच्छा, क्योंकि जब ये उठा रहा है ना तो पीछे के टायर तक की आवाज आ रही है, तो उससे पता चल रहा है कि भाई बढ़िया वाला बूस्ट दे रहा है, बट आई डोंट नो कि तू कैसे उठा पाएगा, तो देखते हैं गाइस। भाई पता नहीं ना यार, कोई नहीं, वैसे तो चला रखी है तूने। हां चलो चलो भाई, पूरी पीली थार है गाइस, ये तो येलो येलो। तो ये लोग रेडी हैं, और रेडी पीछे एक बाइक वाला आ रहा है तो इनको रोक देते हैं, ठीक है रेडी। तो 3 के काउंट पे 1 2 3 खींच भाई, एक्सयूवी में पावर तो है, पावर है भाई, बाद में आता है उसका, उसका बाद में आता है भाई, एक्सयूवी से नहीं जीत सकती भाई थार। दिख गया होगा तुम लोगों को ना क्या हुआ है, हन्नी चला रहा है एक्सयूवी और थार को रचित चला रहा है। रचित थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, बट वो मुझे पता है यार कि देखो मैं भी अगर ना बाई चांस वर्टस को छोड़ के अगर कोई भी गाड़ी चलाऊंगा ना, तो मैं भी थोड़ा सा ना ऐसे हो जाऊंगा कि यार ये क्या है ये क्या है। और थार में है भी वो जो सेकंड वाला जो 4x4 वाला है, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं कि भाई नहीं कर सकते हम कुछ भी, किसी तरीके की हरकत नहीं कर सकते, तो आई डोंट नो क्या होगा, लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे अपनी वर्टस यहाँ पे खड़ी है, तो मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि पुलिस वाले आ गए हैं। एक्सयूवी लेगा भाई, कैसी लगी ये होती है स्टार्टिंग में स्टार्ट, तूने सही उठाई है, ऐसे उठती है। अगर ड्राइवर वाइज बात करे जाए तो 2 राउंड हन्नी जीता है, 2 राउंड मैं जीता हूँ। गाड़ी वाइज बात करी जाए तो 3 राउंड एक्सयूवी जीती है, 1 राउंड थार जीती है। लेकिन मजा आ गया भाई, स्वाद आ गए। इसमें बैठ के ऐसे लग रहा है कितने ऊपर बैठे हैं। हाँ एकदम से गाड़ी चेंज होगी ना। हाँ कहने को तो एक्सयूवी भी ऊंची है। हाँ ये और ऊंची है भाई, इससे अपने बंदों को भी बिठा ले। बल्लो बल्लो साइड में लटक जा। चलो चलती फिरती सवारी बिठा ली, पकड़ लिया ना। चलो भाई पकड़ लिया, होए कहीं हवा के साथ पीछे चला जाए। पुलिस वाले इन लोगों को क्रॉस करते हुए निकल गए, इन लोगों को ना थैंक यू बोलना चाहिए मुझे आकर, ठीक है। ये एक्सयूवी हनी चला के लेके आ रहा है और सही है यार, स्वाद आ गया बिना था ड्रैग रेस करके भाई, मजे तो आ गए भाई। एक वो देख वो गाड़ी देख कैसे खड़ी कोने में, वर्चस हनी। ये ब्रो ये भाई, तुम लोग थैंक यू नहीं बोलने वाले हो क्या मुझे? थैंक यू भाई, थैंक यू तो बोलना बनता है यार तुम लोग का यार। थैंक यू, मैंने संभाला है तुम्हें, मतलब पता है कितना जोखिम भरा काम था, तो मैंने ना टाइम पे हैंडल कर लिया। तो गाइस फाइनल जो चीज है वो बताते हैं अभी यहाँ पे कि क्या हुआ है, कौन जीता कौन हारा। सो फाइनल हम क्या सोच सकते हैं कि भाई कौन जीता कौन हारा। चलो ड्राइवर वाइज देखे तो 2 राउंड नहीं लेगा, 2 राउंड में लेगा। गाड़ी वाइज देखे तो 3 राउंड एक्सयूवी लेगी, 1 राउंड थार लेगी। तो एक काम करते हैं, फूंक लेते हैं कि कौन जीता कौन हारा है ना, अब फाइनल तो यही होगा है ना, मेरे को वही कह रहा हूँ। ओवरऑल मैं बताऊँ ना, मशीनरी वाइज भाई ऑब्वियसली बात है, मैं बताता चल रहा था एक्सयूवी जीतेगी, बट अगर ड्राइवर वाइज देखे तो भाई वो कंपेयर कर देंगे उसे, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा गैप बना रखा हो, बट हाँ वो 100 तक तो मान सकता हूँ मैं, 100 के बाद तो भाई ऑब्वियसली बात है
200 प्लस की मशीन है यार ये, आनंद महिंद्रा जी दोनों का ना कोई अवार्ड भिजवाओ मेरी तरफ से। मैं मतलब है ना जो भी चीज होगी ना उसका खर्चा वगैरह 1500 से 2000 रुपए का कुछ सील्ड वगैरह भिजवानी होगी इन दोनों को दे देना ठीक है भाई। दोनों चीजें जीत गई, अब मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या जीता और क्या हारा। लेकिन विशाल से पूछते हैं, विशाल सबसे लास्ट में एंड में खड़ा था। विशाल तुझे फाइनल वाला क्या लग रहा है कि जेन्युइन चीज बताइए? मुझे पता है कि एक हन्नी की टीम है एक रचित की टीम है, लेकिन दोनों बराबर रह गए। चलो ठीक है गाइस, सो क्या जजमेंट निकाल रहे हो तुम लोग? पुलिस वाला कह रहा दारू पी रहे हो बियर पी रहे हो, मैं कहा कुछ नहीं जी शूट चल रहा है, कह रहा ओके वेरी गुड। तो भाई अभी एक बार ना ये ऐसे ट्रायल ले रहे हैं एक्सयूवी वर्सेस वर्टस में, ये हन्नी मेरी एक्सयूवी चला रहा है, मैं इसकी थार ले आया हूँ, अभी थार से थोड़ी ना ऑफ रोडिंग करके देखते हैं। तो भाई इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं, और आप बताओ कि कौन था चैंपियन? चैंपियन बेसिकली एक्सयूवी है भाई क्योंकि चार में से तीन राउंड लेगी एक्सयूवी। विनय अभी कैसा लगा तेरे को ड्रैग रेस करके इतने दिन के बाद? स्वाद आ गया ड्रैग रेस करके आज, और आप डिसाइड कर लो भाई कौन जीता कौन जीता। हमने तो मजे के लिए करा है, कोई भी जीते मजे आने चाहिए। चार में से तीन राउंड लेगी एक्सयूवी, एक थार ले गई, और ड्राइवर वाइज दो हन्नी ले गया दो मैं ले गया। बाकी यार स्वाद पूरे आए, बेसिकली स्वाद आने चाहिए, स्वाद आने चाहिए, स्वाद आगे पूरे अच्छा लगा। और मैंने इतने हाँ। इंस्टेंट जो स्टार्टिंग में पीते हैं ना, तो चलो भाई दोस्तों अभी इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और मेरे को ये और बता दो कि अगला व्लॉग लेके आऊं क्या? एक्सयूवी वर्सेस वर्टस, वर्टस है वर्टस है वर्टस वर्टस भाई। अगला अगली अगली ड्रैग रेस अपनी एक्सयूवी वर्सेस विकास भाई की वर्टस, तो कमेंट करके बता देना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी कल 11 बजे मिलेंगे फिर से नए व्लॉग के साथ, सब्सक्राइब कर देना गाइस ठीक है, बाय।